ठीक है, वो अभी हमने नहीं किया कि फॉर एग्जाम्पल यू माइट गेट अ क्वेश्चन कि एक्सप्लेन करो भाई मेल्टिंग क्या है, ठीक है, जी सर। और उससे ना स्पेसिफिकली पूछा होगा कि मेल्टिंग को डिस्क्राइब करो, उसमें मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, अच्छा मेल्टिंग क्या होता है कि सॉलिड चेंजेस इनटू अ, व्हेन अ सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, अब क्या क्या चेंजेस हो रही हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े रिजिड होते हैं, अपनी अपनी जगह पे ना सारे स्टक होते हैं, दे नॉट, और टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड के अंदर वही पार्टिकल्स जी होते हैं बट दे कैन स्लिप एंड स्लाइड, और वो थोड़ा सा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, यही डिफरेंस है ना इससे ज्यादा, और जी फ्रीली, सर। अच्छा दे कैन ओनली मूव पास्ट ईच अदर, तो आप ये लिखोगे इसमें कि सॉलिड पार्टिकल्स, तो अभी डिस्क्राइब करना पूरा प्रोसेस, तो सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं दे गेन एनर्जी, अब मुझे बताओ जब वो गेन करेंगे एनर्जी सॉलिड के पार्टिकल्स क्या करेंगे, लूज नहीं जब वो एनर्जी गेन करेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव किस तरह करते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स किस तरह मूव करते हैं, सर ये नहीं पता। वाइब्रेट करते हैं ना अबाउट द फिक्स पोजिशन, हाँ जी तो सॉलिड पार्टिकल्स दे गेन एनर्जी एंड स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर वेगरसली, क्योंकि अब ज्यादा एनर्जेटिक हो गए ना, हाँ, तो काइनेमेटिक्स एनर्जी में ठीक है, एंड काइन स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर वेगरसली, अच्छा दे स्टार्ट टू वाइब्रेट मोर वेगरसली, इवेंचुअली क्या होता है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तोड़ देते हैं, इवेंचुअली ओवरकमिंग द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अच्छा इवेंचुअली ओवरकमिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, मतलब ये जो पार्टिकल्स थे ना ये वाले ये आपस में फंसे हुए थे क्योंकि दे वर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, इवेंचुअली ये जो पार्टिकल्स है ना अगर एक को मैं पकड़ूं तो वो इतना स्ट्रॉन्गली वाइब्रेट कर रहा है कि इट स्टार्ट्स टू मूव, यानी ये बेसिकली हो रहा है, इट ओवरकम्स द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस जी सर। एंड स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड, अच्छा इट स्टार्ट्स टू स्लिप एंड स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है, तो इसको इसको आप कहते हो कि जी ये अब आपका ना वो हो गया है, सब्सटेंस जो है ना वो मेल्ट कर चुका है कि पार्टिकल हैव स्टार्टेड स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग, अच्छा अगले पे आ जाते हैं कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है, सर, इन बॉइलिंग अ हाँ सब्सटेंस इज चेंज और लाइक टर्न इनटू गैस ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये सबसे मेन है, बट इन एवेपोरेशन द सब्सटेंस इज चेंज बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये भी हम ना दोनों के बीच में ना पहले डिफरेंसेस निकालते हैं कि बॉइलिंग और उसमें फर्क क्या है, तो एक सेकंड में नीचे आ जाऊं यहाँ पे, अच्छा सो यू हैव बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन, सर आज हमारी आखिरी क्लास है ना नहीं कल। कौन सी ये डेमो क्लास जो है, हाँ जी डेम क्लास। नहीं वो तो अभी चलेंगी, अभी रेगुलर क्लासेस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये बेसिकली रेगुलर क्लासेस ही शुरू हो गई हैं बस ये, तो सर पेरेंट्स पूछ रहे थे फीस कितनी होगी। ये इसकी फी वो डिस्कस करते हैं, वो इसके बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है कॉल में, अच्छा ओके बॉइलिंग और इवेपोरेशन, पहला तो मैंने एवेपोरेशन बताया था बॉइलिंग जो है वो फिक्स्ड टेम्परेचर, ठीक है, और सर एवेपोरेशन फिक्स टेम्प और एवेपोरेशन नॉन फिक्स टेम्प। इवेपोरेशन कभी भी हो सकती है, एक ठंडा रूम भी होगा ना वो किसी भी टेम्परेचर में, सर्दियों में भी हो जाएगी, पानी जमीन पे फेंक है इवेपोरेट कर जाएगा, अच्छा अब ये मुझे बताओ कि और भी पॉइंट्स लिख लेते हैं कि ये बताओ कि कौन सी सिर्फ सरफेस पे होती है, ये नहीं
बॉइल, जब पानी बॉइल करता है हाँ थ्रू आउट द लिक्विड होता है ना, लिक्विड होता है जी, मतलब थ्रू आउट होता है, मतलब कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जो बॉइल ना कर रहा हो, क्लियर? हाँ बॉइल ना कर रहा थ्रू आउट होता है। अच्छा इवेपोरेशन जो होती है ना ओनली एट द सरफेस, टॉप सरफेस के ऊपर? हाँ इवेपोरेशन ओनली टॉप सरफेस। अच्छा किसको एनर्जी चाहिए होती है? एनर्जी हमारे नीड्स एनर्जी सोर्स, एवेपोरेशन नहीं बॉइलिंग जो है ना, इट नीड्स एनर्जी सोर्स, इवेपोरेशन को जरूरत नहीं एनर्जी सोर्स की। एनर्जी सोर्स की अच्छा इट डजंट नीड अ स्पेसिफिक एनर्जी सोर्स, रीजन ये कि अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इवेपोरेशन है क्या चीज और क्यों हो रही है इवेपोरेशन। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी इस्तेमाल करते हुए ना विल डिस्कस इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन में होता है कि व्हेन यू टॉक अबाउट इवेपोरेशन जी सर, पास लेट्स से कंटेनर है, उसके अंदर ना लिक्विड है, ठीक है, ये पार्टिकल्स पड़े हुए हैं। अब इसमें ना वो बिलियर्ड बॉल्स की तरह ना ये सारे पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, कोई स्पेसिफिक एनर्जी सोर्स नहीं होती। तो लेट्स से ये ब्लू वाला पार्टिकल है, अब जब कोलिजन होती है ना तो हो सकता है एक पार्टिकल एनर्जी गेन कर ले दूसरा लूज कर जाए, जैसा वो बिलियर्ड के अंदर और पूल के अंदर ना आप स्नूकर के अंदर ना बॉल्स हिट करते हैं ना तो कुछ स्लो हो जाते हैं कुछ तेज हो जाते हैं। हाँ जी कुछ स्लो हो जाते। अच्छा तो पार्टिकल्स जो है वो पहली चीज रैंडमली कोलाइड विद ईच अदर, अच्छा दे रैंडमली कोलाइड विद ईच अदर, एंड व्हेन दे डू दैट व्हेन दे रैंडमली कोलाइड विद ईच अदर सम पार्टिकल्स गेन एनर्जी। अच्छा सम पार्टिकल्स गेन एनर्जी और कुछ और पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी लूज कर रहे होंगे, अच्छा एंड सम वुड लूज एनर्जी, ये अपना काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की उसके एंड सम लूज एनर्जी। अच्छा अगर एनर्जी नाउ एट द सरफेस some particles, some many energetic particles as energetic particles at the surface, energetic particles overcome the attractive forces and escape as gas. ठीक है तो ये आपका जो ब्लू वाला पार्टिकल है ना इफ इट बिकम्स वेरी एनर्जेटिक तो ये पार्टिकल जो है ना इट माइट चेंज इनटू गैस स्टेट। जी इसको हम हटा देते हैं तो ये एट द सरफेस ना इट माइट गेन इनफ एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस। जी सर अच्छा एनीवेज नेक्स्ट पार्ट है इसके ये हमने इवेपोरेशन की डिस्क्रिप्शन कर दी है, कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं है ओनली एट द सरफेस। अब तो इवेपोरेशन की स्पीड, कैन यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ इवेपोरेशन, क्या क्या करना चाहिए? क्या सर इवेपोरेशन की स्पीड किस तरह बढ़ा सकते हो? इवेपोरेशन की स्पीड हाँ सर, कपड़े धो के डाले ना तो क्या स्पीड ऑफ इवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज्ड? क्या करोगे उन कपड़ों के साथ कि वो स्पीड बढ़ जाए?
स्पीड पार्ट से ये कपड़े धो के डाले घुमाएंगे सर क्विज करेंगे चलो वो भी है वो तो तुम पानी वैसे ही निकाल रहे हो ना स्पीड ऑफ एवेपोरेशन कैन बी इंक्रीज अगर विंडो क्लियर है हवा तेज चल रही हो तो एवेपोरेशन क्यों ज्यादा तेज होती है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स निकले ना बाहर ये उड़ के चले जाएंगे सारे हाँ जी और नीचे से ना और पार्टिकल्स एस्केप कर जाएंगे ठीक है सनलाइट से भी फर्क पड़ेगा कि पार्टिकल एनर्जेटिक भी होंगे सनलाइट की वजह से तो ये तो सारा इवेपोरेशन नेक्स्ट पार्ट इज कि यू हैव अच्छा नेक्स्ट पार्ट इज कि अच्छा नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी तो होगी हमने वो चेंजेस ऑफ स्टेट भी डिस्क्राइब कर दिए अब एक चीज है जिसको कहते हैं डिफ्यूजन जी सर डिफ्यूजन से पहले डिफ्यूजन से पहले ना कूलिंग कर्व्स एंड हीटिंग कर्व्स डिफ्यूजन पे इसके बाद जाते हैं अच्छा ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट है कूलिंग एंड हीटिंग कर्व व्हाट हैपेंस इन कूलिंग एंड हीटिंग कर्व्स इज के किसी सब्सटेंस को आप हीट कर रहे हो ठीक है फॉर एग्जांपल पानी है H2O इट इज बीइंग हीटेड माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ना यू आर हीटिंग इट टू 150 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है इतना आप हीट कर रहे हो और आपके पास ना एक ग्राफ बनेगा इससे रिलेटेड अच्छा ग्राफ में क्या होगा कि देयर इज गोइंग टू बी एक एक्सिस के ऊपर ना प्रोग्रेस होगा टाइम कर लो टाइम होगा ऑन वन ऑफ द एक्सिस ऑन द अदर एक्सिस यू हैव टेम्परेचर अच्छा हम इसको हीट कर रहे हैं माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड यहां से शुरू कर रहे हैं तो माइनस 10 पे वो क्या है वो आइस के फॉर्म में अच्छा टेम्परेचर पहले थोड़ा सा इंक्रीज करेगा फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगा फिर वो थोड़ा सा और मजीद इंक्रीज करेगा फिर दोबारा वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा बिल्कुल और फिर वो दोबारा इंक्रीज करता रहेगा ठीक है अब ये आपकी हीटिंग कर्व है ठीक है मुझे एक्सप्लेन करो ये इस पॉइंट पे क्या चीज हो रही है ये जो ये पॉइंट है ये कर्व फ्लैट इस पॉइंट मतलब ये जो टेम्परेचर है दिस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है तो इस पॉइंट पे ना कर्व बिल्कुल फ्लैट क्यों हो गया कि पहले सोचो ये आइस है ना ठीक है इधर ही ना साथ ही एक ये बीकर पड़ा हुआ है उसके अंदर ये आइस आइस के क्यूब्स पड़े हुए हैं ठीक है माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब रीच करोगे तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना ऊपर की तरफ हाँ ऊपर की तरफ जाती है तो अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जब रीच करोगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा इस आइस को आइस सर फॉर्म चेंज होने लग जाएगी ठीक है तो वो सॉलिड टू लिक्विड हो जाएगी अच्छा तो मेल्टिंग हो रही है ठीक है जी सर अच्छा उसके बाद रिमेम्बर कि व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस अच्छा रिमेम्बर व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस अच्छा व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस सर आप नीचे कर दो थोड़ा अच्छा रिमेम्बर व्हेन अ चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस तो टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट जी सर अच्छा टेम्परेचर बिकम्स कॉन्स्टेंट
मेल्टिंग हो रही हो, जो भी हो रहा हो, ठीक है, द टेम्परेचर वुड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. अच्छा, मेल्टिंग के बाद है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. ये जो पॉइंट है ना, इसके अंदर वो लिक्विड है. अब ये जो पानी यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, आइस, ठीक है, वो आइस सारी इट हैज मेल्टेड एंड इट हैज चेंज्ड इनटू लिक्विड. ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ गया. तो टेम्परेचर अगली यहाँ पे दोबारा कॉन्स्टेंट क्यों हो गया? क्योंकि वो एक मिनट, गैस से लिक्विड टू गैस. ठीक है, तो दिस इज योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट. यहाँ पे वो लिक्विड टू गैस यानी बॉइलिंग हो रही है. बॉइलिंग, और फिर उसके बाद यहाँ पे ना वो गैस में चेंज हो गया, तो टेम्परेचर फिर इंक्रीज करना शुरू हो गया. तो जब भी चेंज ऑफ स्टेट होती है ना, तो आपका जो गैस पे जब चेंज होती है, हाँ, जब ये गैस में अब चेंज हो गया जैसे, हाँ हाँ, तो सर ये जो आपने दरमियान में जो गैप टाइप बनता है, स्टेडी हो जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, ये नहीं बनेगी ना 150 तक? नहीं, अब वो टेम्परेचर बढ़ता रहेगा ना, एक दफा वो गैस में कन्वर्ट हो गया. अब हाँ, फिर अब ये टेम्परेचर आप अगर इसको हीट किए जा रहे हो, मैं तो नीचे से आग लगाई हुई है ना इसके नीचे, तो पहले वो -10 पे था, राइज करके वो 0 पे आया, मेल्ट हुआ, मेल्ट होके फिर टेम्परेचर उसका बढ़ा 100 पे, फिर गैस पे चेंज हुआ, अब बस बढ़ता रहेगा उसका, 150 तक चला जाएगा. 150 तक चला जाएगा. अब दरमियान में कोई गैप शैप नहीं आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ दो गैप्स होते हैं, एक मेल्टिंग का और एक बॉइलिंग का, पर ये तो फ्लैट लाइन. ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही दो वो होते हैं आपके पास. अच्छा, सो यू हैव दिस इज योर हीटिंग कर्व, कूलिंग कर्व उल्टा होगा कि आप यहाँ पे हो गए और आप वापस आ रहे हो नीचे. ठीक है, कह रहे हैं बिल्कुल. अच्छा, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे पास्ट पेपर्स के अंदर. यू विल बी आस्क्ड के उसके अंदर यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट के वो कहेंगे कि इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल क्वेश्चंस कर लेते हैं. Just one second, let me open this. Okay, open the assignments or example questions dikha deta hu ki kis tarah ke honge. Phir ye to pure acha yahan pe na heating or cooling curves kahi, ek second, just one second. हाँ, ये एक आया. अच्छा, तो हर सब्सटेंस का ना कर्व इसी तरह होगा जैसा ये गिवन है. तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं. ये कंपाउंड एक्स है, ठीक है, कंपाउंड एक्स हमें नहीं पता क्या है. अब वो कह रहे हैं कि एक्स का बताओ कि ये सॉलिड लिक्विड या गैस है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. 20 कहाँ पे आएगा, ये 80 है. हाँ जी, और ये 50, तो 20 इधर के बीच में होगा ना, बीच में होगा. तो मुझे एक्सप्लेन करो कि इस पॉइंट पे ये क्या होगा. तो इस पॉइंट पे जो जब मेल्ट हो के लिक्विड में चेंज हो गया ना सर, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट हो गया, तब वो तो सर वो पानी जो है ना वो बॉइलिंग की तरफ जाने शुरू हो जाएगा. जब हाँ. तक वो बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचता, वो लिक्विड रहेगा. Exactly. तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और बॉइलिंग पॉइंट के बाद वो गैस चेंज हो जाएगा. तो ठीक है, तो आंसर उसका क्या है, लिक्विड. तो वो इस तरह तुमने गैस, हाँ जी, इसके और इसके बीच में ना इट्स गोइंग टू बी अ लिक्विड. जी सर. अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि राइट एन इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट. बी टू सी में क्या हो रहा है सर, इसमें फॉर्म चेंज हो रही है, सॉलिड जो है ना लिक्विड में ट्रांसफॉर्म. एक्स पहले सॉलिड था और अब क्या है, एक्स उसने असल में ना इक्वेशन लिक्विड हो गया. अच्छा, उसने इक्वेशन लिखने को कहा था, ठीक है. तो एक्स जो था ना, इट वाज सॉलिड एंड नाउ इट्स एक्स लिक्विड, ठीक है जी सर. इक्विलिब्रियम वगैरह का पता नहीं तुम्हें, पता है अभी कि नहीं पता. ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, मतलब एक चीज को आप मेल्ट भी कर सकते हो, फ्रीज भी कर सकते हो. जी सर. तो वो डबल एरो से रिप्रेजेंट होता है. अच्छा, डी टू ई में वो कह रहे हैं कि क्या हो रहा है
सर इसमें बॉइलिंग टू गैस हो रही है, सॉरी लिक्विड टू गैस, एक्स लिक्विड हो गया एक्सेस। नहीं उसने कहा इस पे वो इक्वेशन नहीं मांगा, इसमें वो कह रहा है नेम करो, तो बॉइलिंग होगा ना नेम। अच्छा बॉइलिंग, बॉइलिंग बॉइलिंग टू गैस। हां और एक्सप्लेन हाउ द कर्व शोस दैट अ प्योर सैंपल, ये कैसा पता लगा कि ये प्योर सैंपल है? ये हमने ना लास्ट टाइम, ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था किधर गया, अच्छा ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जिसके अंदर था कि प्योर सैंपल्स के बारे में कि कहीं ना कहीं तो पढ़ा था, हाँ ये हमने पढ़ा था कि प्योर सब्सटेंस जो होता है ना मेल्ट्स एंड बॉइल्स एट अ फिक्स्ड टेंपरेचर। जी सर ये तो पता, तो इधर भी ये पढ़ा था कि इसकी जो मेल्टिंग हो रही है वो 15 के ऊपर हो रही है, फिक्स्ड है ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। और ये दूसरा जो है ना ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा खैर ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, ये वैसे एग्जांपल देना था हीटिंग कर्व्स का। अच्छा वापस इसके ऊपर आ जाते हैं कि द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वन सेकंड, अब आगे डिफ्यूजन पे चले जाते हैं। जी सर अच्छा डिफ्यूजन क्या है कि सर डिफ्यूजन बेसिकली परफ्यूम्स पे होता है ना, कुछ स्मेल का फैल जाना, हाँ डिफ्यूज हो जाना उसकी, पहले तो वो पूछेंगे आपसे कि इसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताओ, तब ये तो नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? स्प्रेड अप पार्टिकल्स स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम। अच्छा इट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। जी सर। अच्छा इट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ये प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ये दिस इज व्हाट इज मेंट बाय डिफ्यूजन, ये उसके ये रट्टा लगाना है, ठीक है दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड। के मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये एग्जैक्ट ये हर पेपर में ही आएगा, ये लिखना ही लिखना है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या है, मतलब परफ्यूम का फैल जाना, ठीक है वो फैल रहा क्यों है कि लेट्स से ये रूम है, इधर तुमने ना परफ्यूम स्प्रे किया इस कोने में ना, एयर फ्रेशनर स्प्रे किया, मुझे बताओ ये क्यों फैलेंगे, क्या वजह है कि ये फैलेंगे? सर स्प्रे जो है गैस की फॉर्म है और गैस की फॉर्म वाले पार्टिकल्स घूम सकते हैं फ्रीली मूव कर, ठीक है तो उसका मतलब है ये पार्टिकल्स जो है रैंडम और ये फ्रीली और रैंडमली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गैस का जो पार्टिकल है ना ये उठ के ना जाके उधर टक्कर मारेगा, फिर इधर आएगा यहाँ पे, फिर घूमता हुआ मतलब टक्करे मार होगा दीवारों में, ठीक है। ये वाला भी रैंडमली हर डायरेक्शन में हिट करता हुआ जा रहा होगा, ठीक है। जैसा अगर वो स्नूकर या बिलियर्ड खेलते हो तो एंड में क्या होता है, वो सारी बॉल्स जो होती है वो बिखरी भी होती है, द एंटायर टेबल इज फुल ऑफ देम। ये पार्टिकल भी उधर से हिट करता हुआ इधर से हिट करता हुआ इधर कहीं पहुंचा होगा, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल्स रैंडमली ये इधर जाके टक्कर मार के फिर इधर आया हुआ है, इवेंचुअली खैर ये हर जगह फैल जाएंगे, क्लियर है जी। इसमें डेफिनेशन में ना एक और चीज का इजाफा कर दो कि इट्स द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन
क्यों? क्योंकि ड्यू टू रैंडम मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स. तो ड्यू टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अच्छा, सो ड्यू टू रैंडम मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. अब मैं बताओ, ये जो रैंडम मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, ये किस स्टेट में होती है? गैस. अच्छा, गैस में. और किस में? सॉलिड में होती है? नहीं सर. ठीक है, सॉलिड में तो पार्टिकल अपनी जगह से हिलता ही नहीं है. ठीक है, सो ओनली हैपेंस इन गैसेस. लिक्विड स्टेट में होगी? नहीं सर, एवेपोरेशन में शायद. नहीं, लिक्विड में मैं इंक अगर डालूं, अब सोचो ये पानी है. ठीक है, इसके अंदर ना पानी पड़ा हुआ है और इसके अंदर एक कोने में ना मैंने रेडिंग डाल दी है. मुझे तो ये रेडिंग फैलेगी कि नहीं फैलेगी? फैलेगी, क्योंकि लिक्विड में भी तो पार्टिकल स्लाइड कर रहे होते हैं ना. ये स्लाइड करता हुआ उधर पहुंच जाएगा, ये स्लाइड करता हुआ इधर, कोलाइड करता हुआ इधर आ जाएगा. तो इट ओनली हैपेंस इन गैसेस एंड लिक्विड. मुझे बताओ कि फास्ट कौन सी होगी, गैसेस या लिक्विड? लिक्विड. नहीं, किस में पार्टिकल ज्यादा तेजी से मूव कर रहे होते हैं? गैस. ठीक है, गैस में ना. परफ्यूम स्प्रे करते हो एकदम से स्मेल आती है. इंक डालो ना पानी में तो बड़ी देर बाद जाके फैलती है. तो गैसेस, अच्छा गैसेस हैव फास्टर डिफ्यूजन. और लिक्विड जो है ना वो स्लोअर होती है. वो रीजन भी लिख लो कि लोअर पार्टिकल्स. ठीक है, सो दे आर लॉट स्लोअर पार्टिकल्स. चलो, ये कहानी डिफ्यूजन की तो कहानी. अब मुझे बताओ डिफ्यूजन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? डिफ्यूजन, हाँ, सर डिफ्यूजन एक चीज पे डिपेंड करती है कि जो जिधर फैलना है वो कितना बड़ा और कितना छोटा. छोटे वाले रूम में जल्दी डिफ्यूजन होगी और बड़े वाले में लेट होगी. चलो वो तो ठीक है, वो बात हमारी ठीक है, लेकिन वो तो मैं वो कह रहा हूँ कि स्पीड तो वही रहेगी ना. मतलब तुम ये सोचो, देखो एक बंदा भाग रहा है 100 मीटर, एक बंदा भाग रहा है 400 मीटर रेस. ठीक है, दोनों की स्पीड एक ही है तो 400 मीटर वाले को ज्यादा टाइम लगेगा ना. हाँ जी, तो तुम ये बात कर रहे हो ना. मतलब स्पीड तो फिर भी वही है ना. मतलब स्पीड वही, रूम छोटा हो या बड़ा हो उससे स्पीड, वो टाइम ज्यादा इसलिए लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है ना. बिल्कुल. अच्छा, तो मतलब वो फैक्टर नहीं है, वो उसकी स्पीड तो अफेक्ट नहीं कर रही. स्पीड इफेक्ट होती है कि दो तरीकों से, कि वन इज के मतलब तो हायर टेंपरेचर पे डिफ्यूजन होती है या लोअर टेंपरेचर पे डिफ्यूजन से ज्यादा. अगर टेंपरेचर में हाई रखूंगा तो डिफ्यूजन फास्ट होगी या स्लो होगी? स्लो सर. नहीं, अगर मैं टेंपरेचर ज्यादा रखूंगा पार्टिकल्स की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी, कम होगी, एनर्जेटिक होंगे ज्यादा. हायर टेंपरेचर तो उसका मतलब है मोर. अच्छा, उसका मतलब है कि there's more kinetic energy, right? जी सर. And if there is more kinetic energy, तो particles जो है वो obviously travel faster. Yes. And if particles are traveling faster, तो obviously diffusion जो है वो is going to be faster.
ठीक है जी सर, जी सर। बस की क्लियर कट एग्जांपल है कि खाना ठंडा हो ना फ्रिज से निकालो तो आपको स्मेल नहीं आ रही होती खाने की, ठीक है। लेकिन जैसे ही खाने जब गर्म करते हैं तो स्मेल, तो उसकी स्मेल आती है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो पहले खाने की स्मेल दोनों टाइम थी, वो बस पार्टिकल जो थे ना पहले स्लो थे क्योंकि दे हैड लेसर काइनेटिक एनर्जी एंड दे वर ट्रैवलिंग स्लोअर, तो वो आपके नाक तक ना पहुंच ही नहीं रहे थे या बहुत देर बाद पहुंच रहे थे। लेकिन जैसे खाने को गर्म करोगे ना माइक्रोवेव से, बल्कि पता ही मतलब मैं क्या करता हूँ कि मैं तो चेक ही इस तरह करता हूँ कि माइक्रोवेव में खाना गर्म हो गया कि नहीं, कि मुझे स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही। अगर मुझे स्मेल आ रही है तो उसका मतलब है वो माइक्रोवेव के अंदर गर्म हो चुका है, ठीक है, गर्म सही हो। अच्छा सेकंड फैक्टर इज लाइटर पार्टिकल्स जो होते हैं दे ट्रैवल फास्टर, यानी जो हल्के वेट के, हाँ दे ट्रैवल फास्टर एंड दे डिफ्यूजन इज फास्टर। अच्छा एंड दे डिफ्यूजन इज फास्ट, ठीक है, दैट इज फॉर लाइटर पार्टिकल्स, दे ट्रैवल फास्टर एंड दे डिफ्यूजन इज फास्ट। पता किस तरह लगता है कि पार्टिकल जो है वो हैवी है या लाइट, द वे यू फाइंड दैट इज बाय कैलकुलेटिंग MR। हर पार्टिकल का ना कोई फॉर्मूला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल होता है, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये करना है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में क्या होता है, एक कार्बन होता है, दो ऑक्सीजन होते हैं, ओपन और दो और इधर जाके देखो जी कार्बन 12 है, ऑक्सीजन जो 16 है, तो एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो आंसर आता है 44, तो आपको उसकी मास पता लग जाती है। जी सर, तो इस तरह आप किसी भी पार्टिकल की ना मास पता लगा सकते हो। NH3 है, N periodic table में 14 है, H1 है तो 3H है, तो वो N में 17 बनता है, ठीक है जी सर। तो आप ना किसी की भी ना मास निकाल सकते हो। अब पहला क्वेश्चन जो आएगा ना वो तो सिंपली आएगा कि अब एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन जरा सॉल्व करो ना, अच्छा योर एग्जांपल क्वेश्चन इज के तीन पार्टिकल्स में दे रहा हूँ, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मतलब प्लस साइन हटा दो, और कौन सा है, कोई और NO2 है और SO3 है, इन सारों की जरा मास पता करो ना, पीरियोडिक टेबल है तुम्हारे पास? सर पीरियोडिक तो नहीं है, गूगल कर लो ना, गूगल करो ये AQA सिलेबस, ये मैं उस पर व्हाट्सएप पे ना शेयर भी कर देता हूँ। एक मिनट सर, खोल रहा हूँ आपकी वाली फाइल खोल। तो फाइंड किस किस का करना हमने अभी? इसके सबसे स्लो कौन सा है? सबसे स्लो? हाँ। सर एक मिनट, ये स्क्रीन कौन से सर आप बता देंगे? एक है H2HE। NO2 है और SO3 है। सर ये तो मुझे ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है। नहीं पीरियोडिक टेबल नहीं नजर आ रहा सर, पीरियोडिक टेबल में H2 थोड़ी सी आदत बनानी है कि पीरियोडिक टेबल में ये मिल जाए आराम से जल्दी से, ये तो याद भी करने पड़ेंगे। याद नहीं करना, पीरियोडिक टेबल तो तुम्हारे पास होगा। अच्छा पीरियोडिक टेबल में H देखो ना, H नहीं मिला अभी तक,
नहीं सर ये सामने क्या पढ़ा है जिसको मैं पॉइंट कर रहा हूँ स्क्रीन पे देखो एच ही मिला सर नहीं एच ही तो ये है एच बीच में पढ़ा हुआ है टॉप पे अच्छा अच्छा यही नजर नहीं है ये पहले 20-25 जो एलिमेंट्स है ना हाँ जी सर उनसे तो थोड़ी काम दुआ करो ताकि वो तुम्हें ढूंढने में आसानी हो खैर वो जब बहुत दफा देखोगे ना प्योर टेबल खुद ही पता लग जाएगा जी सर इसमें एक और ऐड कर लो पहले की मैथ सिखा ली है कितनी मैथ आ रही है एच टू की सर H2 की 2 आ रही है ठीक है वो 2 है बाकियों की निकालो जरा और एच ई की आ रही है 2 नहीं एच ई की 2 नहीं है जो बड़ा वाला नंबर होता है ना वो होता है एच ई 4 है एच ई 4 उसे दिया हुआ भी है की देखो की के अंदर ना एटॉमिक मास गिवन है टॉप वाला एटॉमिक मास है अच्छा अच्छा 4 और सर और किसकी ढूंढनी थी हमने एची 4 है ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है 4 एनओ 2 का बताओ क्या होगा एनओ 2 का हाँ एनओ 2 हाँ जी एनओ 2 का सर हेलो हाँ जी हाँ जी 7+8+8 नहीं 7 नहीं है बड़ा वाला नंबर फिर से मैं कह रहा हूँ अच्छा अच्छा 14+16+16 ठीक है तो क्या बनता है 14 14+16+16 कितना बनता है 16 16 32 32 14 और 30 46 अगले का बता दो एस थ्री इसका ये SD3 सर SO3 SO3 ये मिल गया मुझे बस ये याद है का सर 32+16+16+16 हाँ तो क्या बना मैं देख लेता हूँ या 32+16 × 3 कर दो हाँ 32 और एक मिनट सर 32+16 एक मिनट सर Forty-eight plus thirty-two, और ये हो जाएगा 80 मैं देखता हूँ 48 80 हो गया सर
हाँ बस ये आखिरी फिर होमवर्क है ठीक है जी सर, ये मुझे व्हाट्सएप पे ही कर दो ठीक है, भेज दो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर इसका लिंक, वो आंसर भेज। ओके मैं भेज। स्लोएस्ट, अच्छा स्लोएस्ट कौन सा अभी तक? SO3 है ना आंसर? स्लोएस्ट H2 नहीं, वो फास्टेस्ट है, लाइटेस्ट जो होगा ना वो ट्रैवल्स फास्टेस्ट, ये फास्टेस्ट। अच्छा यानी और ये 88 SO3 हाँ, इसका भी देख लो कि ये आता है बीच में कंपटीशन में कि नहीं आता। चलो अहमद जी सर, ये मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे ठीक है, मैं भेज देता हूँ CH। चलो ठीक है, मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। कर दो सर। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।